Hello children, in this video you will get to know what is machine learning, how does machine learning work and why we need machine learning. Okay, so let us start with what is machine learning. राइट मशीन लर्निंग क्या होता है. मशीन लर्निंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ एआई. मशीन लर्निंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक एप्लीकेशन है, उसका पार्ट है. दैट इनेबल सिस्टम्स टू लर्न एंड इम्प्रूव फ्रॉम एक्सपीरियंस विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम. जो सिस्टम्स को मशीन्स को क्या करती है, इनेबल करती है कि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न कर सकें. राइट यहाँ पे यूजर उसमें ऐसी कोई प्रोग्रामिंग नहीं करेगा, मशीन अपने आप इसको लर्न कर सके. ओके तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मशीन लर्निंग. फाइन वेयर मशीन कैन लर्न लाइक ह्यूमन बींग. फाइन मशीन लर्निंग फोकसेस ऑन डेवलपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कैन एक्सेस डेटा एंड यूज इट टू लर्न फॉर देमसेल्व्स. तो मशीन लर्निंग का फोकस किस पे होता है, ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स डेवलप करने पर जो डेटा को एक्सेस कर सके और उस डेटा से कुछ लर्न कर सके. ओके मशीन लर्निंग इनेबल्स अ मशीन टू ऑटोमेटिकली लर्न फ्रॉम डेटा. मशीन लर्निंग की हेल्प से मशीन डेटा से ऑटोमेटिकली लर्न करती है. ओके इम्प्रूव परफॉर्मेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस. जो डेटा से उनको एक्सपीरियंस हो रहा है उसके थ्रू वो अपने परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, इम्प्रूव करती है मशीन. ओके एंड प्रिडिक्ट थिंग्स विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड. और जो उसके पास न्यू डेटा आ रहा है उसके आउटपुट को वो प्रिडिक्ट करती है. ओके और इसके लिए यहाँ पे हम कोई भी एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे. फाइन तो मशीन लर्निंग बेसिकली क्या है, लर्निंग. ओके विच इज डन बाय द मशीन इटसेल्फ. राइट जहां पे मशीन खुद लर्न कर रही है जो उसको प्रीवियस डेटा प्रोवाइड किया गया है उसकी हेल्प से. फाइन मशीन लर्निंग यूजेस वेरियस एल्गोरिदम्स फॉर बिल्डिंग मैथमेटिकल मॉडल्स. मशीन लर्निंग क्या करती है, बहुत सारे एल्गोरिदम्स का यूज करती है. एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, द सेट ऑफ रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड व्हेन सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. एल्गोरिदम क्या है, हम क्या करते हैं कुछ सेट ऑफ रूल्स बना लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो उसको हम कहते हैं एल्गोरिदम. राइट तो यहाँ पे मशीन लर्निंग बहुत सारे एल्गोरिदम्स का यूज करती है मैथमेटिकल मॉडल्स बनाने के लिए और फिर उन मॉडल्स का यूज किया जाता है प्रिडिक्शंस करने के लिए. ओके तो यहाँ पे जिस डेटा की हेल्प से वो एल्गोरिदम क्रिएट करती है मशीन उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल डेटा. ओके और ट्रेनिंग डेटा. फाइन Currently, it is being used for various tasks such as image recognition, speech recognition, email filtering, Facebook auto tagging, recommender system, and many more. तो यहाँ पे मशीन लर्निंग बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज होती है. लाइक इमेज रिकोगनीशन में मशीन लर्निंग का यूज होता है, स्पीच रिकोगनीशन में यूज होता है, ईमेल फिल्टरिंग में होता है, फेसबुक पे जो ऑटो टैगिंग होती है उसमें होता है, रिकमेंडर सिस्टम. रिकमेंडर सिस्टम जैसे यूट्यूब पे होता है, आप जब एक ही टाइप की वीडियोस वॉच करते हैं, लेट अस सपोज आप हॉरर मूवीज वॉच करते हो राइट या हॉरर वीडियोस वॉच करते हो, तो यहाँ पे क्या है, आप जो उसको डेटा प्रोवाइड कर रहे हो. ओके यू आर टेलिंग द मशीन दैट व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस यू आर वॉचिंग. राइट तो यहाँ पे आपके वीडियोस के अकॉर्डिंग आप जो उसको डेटा प्रोवाइड कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो आपको वैसी ही वीडियो क्या करती है, रिकमेंड करती है. राइट तो यहाँ पे व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ मशीन लर्निंग. लर्निंग ओके वेयर मशीन इज डूइंग लर्निंग इटसेल्फ. मशीन यहाँ पे खुद से चीजों को लर्न कर रही है. फाइन हाउ डज मशीन लर्निंग वर्क. मशीन लर्निंग कैसे काम करती है, मशीन लर्निंग सिस्टम लर्न्स फ्रॉम हिस्टोरिकल डेटा ऑल्सो कॉल्ड ट्रेनिंग डेटा. ओके तो मशीन लर्निंग किसकी हेल्प से लर्न करती है, जो हम उसको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हिस्टोरिकल डेटा भी कहते हैं और ट्रेनिंग डेटा भी आप कह सकते हो. ओके उस डेटा की हेल्प से वो क्या करेगी, एल्गोरिदम्स बनाएगी. राइट और उन एल्गोरिदम्स क्या है, कुछ स्टेप्स वो लिखेगी एक पर्टिकुलर मॉडल बनाने के लिए. राइट और उस उन एल्गोरिदम्स की हेल्प से क्या क्रिएट होंगे, मॉडल्स क्रिएट होंगे. राइट और मॉडल्स को क्या कहा जाता है, प्रिडिक्शन मॉडल्स. राइट एंड व्हेनेवर इट रिसीव्स न्यू डेटा प्रिडिक्ट्स द आउटपुट फॉर इट. और जब हम इन मॉडल्स को न्यू डेटा प्रोवाइड करेंगे तो ये मॉडल्स क्या करेंगे, न्यू डेटा का जो आउटपुट आना होगा उसको प्रिडिक्ट करेंगे. राइट समझ आया, आपने क्या किया, ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड किया मशीन को, मतलब बहुत सारा डेटा प्रोवाइड किया. फाइन उस डेटा में उस से मशीन ने क्या किया, लर्न किया, कुछ एक्सपीरियंस लिए, कुछ पैटर्न सेट किए, उन पैटर्न्स की हेल्प से मशीन ने एल्गोरिदम बनाए, एल्गोरिदम बना के उस एल्गोरिदम की हेल्प से मॉडल्स क्रिएट किए,
अब उस मॉडल्स को हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यू डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, और न्यू डेटा जो मॉडल्स के पास गया है वो क्या करेंगे, मॉडल्स उस न्यू डेटा का जो आउटकम आना चाहिए, जो आउटपुट आना चाहिए उसको प्रिडिक्ट करेंगे. फाइन. द एक्यूरेसी ऑफ प्रिडिक्टेड आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ डेटा. तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, प्रिडिक्टेड आउटपुट आएगा, उसकी एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब जितना ज्यादा आप ट्रेनिंग डेटा मशीन को प्रोवाइड करोगे उतना ही एक्यूरेट आउटपुट आएगा जो आप उसको न्यू डेटा प्रोवाइड करोगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड करोगे उतना ज्यादा मशीन को एक्सपीरियंस होगा, राइट. ओके. एज द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हैज टू बिल्ड अ बेटर मॉडल विच प्रिडिक्ट्स द आउटपुट मोर एक्यूरेटली. ओके. तो यहाँ पे आप जितना ज्यादा ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड कर रहे हो उतना ही बेटर मॉडल क्रिएट होता है और उतना ही एक्यूरेट आपका न्यू डेटा का आउटपुट प्रिडिक्ट होता है. फाइन. द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बिगिंस विद ऑब्जर्वेशन और डेटा सच एज एग्जाम्पल्स डैट एक्सपीरियंसेस और इंस्ट्रक्शन. तो यहाँ पे जो लर्निंग का प्रोसेस होता है वो कैसे बिगिन होता है, वो डेटा में ऑब्जर्वेशन, अच्छे से मशीन ऑब्जर्व करती है डेटा को, उसके एग्जाम्पल्स को देखती है, ओके, इंस्ट्रक्शंस को देखती है, इन ऑर्डर टू लुक फॉर पैटर्न्स इन डेटा, डेटा में जो सिमिलर पैटर्न्स होते हैं उनको फॉलो करती है, एंड मेक बेटर डिसीजंस इन फ्यूचर बेस्ड ऑन द एग्जाम्पल्स दैट बी प्रोवाइडेड. और उसके बेसिस पे वो क्या करती है, अपने खुद के एग्जाम्पल्स को सेट करती है. फाइन. ओके. नाउ वी हैव नीड ऑफ मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग की रिक्वायरमेंट क्यों है. द नीड फॉर मशीन लर्निंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. द रीजन बिहाइंड द नीड फॉर मशीन लर्निंग इज दैट इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग टास्क दैट आर टू कॉम्प्लेक्स फॉर अ पर्सन टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टली. हमें मशीन की इसलिए जरूरत होती है, मशीन लर्निंग की इसलिए जरूरत होती है क्योंकि यहाँ पे मशीन वो काम कर सकती है जो ह्यूमंस के लिए करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. फाइन. एज अ ह्यूमन वी हैव सम लिमिटेशन एज वी कैन नॉट एक्सेस द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा मैनुअली. ह्यूमन बींग बहुत सारा डेटा मैनुअली एक्सेस नहीं कर सकते, ओके, उसको प्रोसेस नहीं कर सकते. सो फॉर दिस वी नीड सम कंप्यूटर सिस्टम एंड हियर कम्स द मशीन लर्निंग टू मेक थिंग्स इजी फॉर अस. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, मशीन चाहिए जो हमारे लिए क्या करते हैं, चीजों को इजी करते हैं. फाइन. जैसे आप देखो मैनुअली कैलकुलेशन करोगे दैट इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर को यूज कर रहे हो तो दैट बिकम्स वेरी इजी फॉर us, right? वी कैन ट्रेन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स बाय प्रोवाइडिंग देम द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड लेट देम एक्सप्लोर द डेटा. अब हम क्या यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम मशीन लर्निंग के लिए जो मशीन है उनको कैसे मशीन लर्निंग में कैसे हेल्प कर सकते हैं, बाय गिविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा टू द मशीन, राइट. जिससे कि मशीन क्या कर सके, डेटा को एक्सप्लोर कर सके, अपने मॉडल्स को क्रिएट कर सके, और जो न्यू डेटा दिया जाएगा उसका आउटपुट वो क्या कर सके, प्रिडिक्ट कर सके, राइट. विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग वी कैन सेव बोथ टाइम एंड मनी. और मशीन लर्निंग की हेल्प से हम अपने टाइम को एंड मनी को दोनों को सेव कर सकते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ अस नो इट वेरी वेल कि आजकल हर जगह कंप्यूटर्स का यूज होता है, हर जगह मशीन्स का यूज होता है. फाइन. करेंटली मशीन लर्निंग इज यूज इन सेल्फ ड्राइविंग कार. सेल्फ ड्राइविंग कार्स में यूज होता है. साइबर फ्रॉड डिटेक्शन, साइबर फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए मशीन लर्निंग का यूज हो रहा है. फेस रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन में फ्रेंड सजेशन बाय फेसबुक, ओके, जो फेसबुक फ्रेंड सजेस्ट करती है उसमें मशीन लर्निंग का यूज होता है. वेरियस टॉप कंपनीज सच एज नेटफ्लिक्स एंड एमेजॉन हैव बिल्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स डेट आर यूजिंग अ वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा टू एनालाइज. तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, नेटफ्लिक्स है, एमेजोन है, वो क्या करती है, मशीन लर्निंग मॉडल्स का यूज करती है बहुत सारे डेटा को एनालाइज करने के लिए. एंड एनालाइज क्या, कौन सा डेटा एनालाइज होता है, डेटा टू एनालाइज द यूजर इंटरेस्ट, के यूजर्स को जो यूजर्स हैं उनका कैसा इंटरेस्ट है, एंड रिकमेंड प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली. और उनको किस तरीके का डेटा, किस तरह का वीडियोस, किस तरह का डेटा उनको प्रोवाइड किया जाए, राइट. जैसे मैंने अभी यूट्यूब का भी एग्जाम्पल लिया था, तो ऐसे ही यहाँ पे नेटफ्लिक्स अमेजोन भी यही करते हैं. जिस टाइप की आप वीडियोज देखोगे, जिस टाइप की आप मूवीज देखोगे, प्रोग्राम देखोगे, वैसे ही आपको डेटा सजेस्ट किया जाएगा. फाइन. ओके. हियर वी हैव सम एग्जाम्पल्स ऑफ मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग इज यूज इन मैनी एरियाज ऑफ एवरी डे लाइफ, राइट. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, मेडिकल डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है, ओके. तो मेडिकल डायग्नोसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ डिजीज, राइट. किसी डिजीज को आइडेंटिफाई करना, ओके, किसी कंडीशन को या इंजरी को और आइडेंटिफाई करना. फाइन. स्पीच एंड इमेज रिकोग्निशन में रिग्रेशन, रिग्रेशन क्या होता है, अ रिटर्न टू अ फॉर्मर और लेस डेवलप्ड स्टेज, राइट. तो जहाँ पे हमें रिग्रेशन की जरूरत है वहां पे मशीन लर्निंग का यूज हो रहा है. क्लासिफिकेशन, किसी चीज का क्लासिफिकेशन करने के लिए, किसी
किसी का प्रिडिक्शन करने के, प्रिडिक्शन मतलब किसी के लिए फोरकास्ट करने के लिए, मतलब भविष्यवाणी करने के लिए. फाइन. एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन क्या होता है? द एक्ट ऑफ टेकिंग समथिंग आउट, मतलब किसी डेटा में से कुछ डेटा निकालने के लिए. फाइन. तो यहाँ पे देयर आर सो मेनी फील्ड जहाँ पे मशीन लर्निंग का यूज होता है. फाइन. ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स. टिल देन कीप स्टडिंग, बी सेफ एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर यूजफुल वीडियोज. थैंक यू.